खुल गया अब मैक कंपनी के पास अल करम शोरमा सेंटर। अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं, यही ऑफिस से करीब ही मिल जाएगा आपको आपके पसंदीदा फूड। इस अल करम क्रिस फूड की खासियत ये है कि ये यहीं तैयार किया जाता है। इस शॉप का चिकन बड़ी ही सफाई से बनाया जाता है। यहाँ जरूरत के हिसाब से हर डिश मिलेगी, जैसे फ्रेंच फ्राइज, चिकन नुगेट्स वगैरह कम दामों पर। जल्द ही आए और अलग अलग डिशों का आनंद उठाएं। हमारा पता है 1/2 मैक कंपनी फायर ब्रिगेड के सामने मुम्ब्रा। हमारा पिन कोड है 4612। ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए क्रिस फूड की वेबसाइट पर जा सकते हैं या गूगल सर्च से भी ऑर्डर दे सकते हैं। हमारे यहाँ 300 रुपए के ऑर्डर पर डिलीवरी मुफ्त दी जाएगी और 2 किलोमीटर के अंदर भी फ्री सेवा दी जाएगी। पाटिल साहब, मुम्ब्रा में बढ़ती ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए मुम्ब्रा के ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने जो है कुछ कार्य चालू किया है टोविंग का। जो चीज बंद हो चुकी थी मुम्ब्रा के अंदर दोबारा से चालू की गई है, क्या वजह है? अभी जो रास्ते के पब्लिक है जो परेशान हो रही है रास्ते के, आज वो जो कोई भी किधर भी पार्किंग करता है उससे पहले पब्लिक, आम पब्लिक परेशान हो रही है। ये पब्लिक परेशान ना हो इसलिए हमने कार्रवाई शुरू की है, लोगों के भले के लिए काम करिए। और जो लीगल कार्रवाई हुई हम करने वाले हैं, अनलीगल कौन सा ही काम करने वाले नहीं है। अक्सर देखा गया है कि जो गाड़ियाँ पकड़ाती हैं तो उनमें राजनेता, सोशल वर्कर और पत्रकार आके गाड़ी छुड़ाने की सिफारिश करते हैं। इसमें हम लीगल कार्रवाई करेंगे, कोई पत्रकार हो या बड़ी हस्ती हो हम किसी की बात नहीं सुनेंगे। जो लीगल काम है वही करने वाले हैं, और किसको कुछ परेशान होगा तो सीनियर साहब से आप आके मिल सकते हो। ज़्यादातर देखा गया है कि मुम्ब्रा के अंदर इनलीगल गाड़ियाँ भी बहुत चल रही हैं, नंबर प्लेट नहीं है, ट्रिपल सवारी है, अंडर एज है, लाइसेंस नहीं है, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई कब करोगे? इसको भी अभी सीनियर साहब से बात करके हम उसके भी कार्रवाई चल रहे हैं। पिछले हफ्ते में हमने बहुत कार्रवाई की है। आज कितनी गाड़ियों को आपने टोविंग किया है? आज कम से कम 40 गाड़ी को टोविंग किया हमने। जो गाड़ियाँ इनलीगल तरीके से पार्किंग में खड़ा कर देते हैं उनके लिए क्या संदेश देंगे? इसलिए हम यही सोच रहे हैं कि ऐसा अनलीगल काम मत करो, आम आदमी को परेशान मत करो, किधर भी गाड़ी पार्किंग मत करो, अपने सही ढंग से पार्किंग करो, आने जाने के लिए ट्रैफिक को कोई तकलीफ ना हो। मुश्ताक भाई, जिस तरह से टोविंग का काम आपको दिया गया है, आज आपने, आप लोगों ने मिलकर के 40 गाड़ियों को मुम्ब्रा से उठाया है, मुम्ब्रा के अंदर बढ़ती ट्रैफिक और जगह जगह पे इलीगल तरीके से पार्किंग करने वालों के लिए क्या संदेश देंगे और क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो नज़र इंडिया न्यूज़ की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग आए और हमारी बातों को आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मुम्ब्रा कौसा की आवाम तक पहुंचाने के लिए मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और दूसरी बात, जैसा कि आपने कहा कि टूरिंग शुरू हो चुकी है, इससे पहले भी कई दफ़ा शुरू हुई, जब ट्रैफिक होती है, फायर ब्रिगेड को जाने के लिए रास्ता नहीं होता है, एम्बुलेंस को जाने के लिए रास्ता नहीं होता है, या इनकेस कोई एमरजेंसी हो गई तो कोई गाड़ियों को निकलने के लिए रास्ता नहीं होता, जिसका कारण होता है इलीगल पार्किंग। लोग मनमाना तरीके से डबल पार्किंग, ट्रिपल पार्किंग करते, चाहे वो 4-व्हीलर हो, 2-व्हीलर हो या 3-व्हीलर हो, सभी लोग मनमानी तरीके से पार्किंग करते हैं और उसका दोष जाता है ट्रैफिक डिपार्टमेंट को कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट नाकाम है। मगर ट्रैफिक डिपार्टमेंट अपने काम को बखूबी ईमानदारी से निभाता है। मगर क्या होता है, इसमें एक गाड़ी, हम अगर एक ट्रेन भर के लाते हैं, 6 से 7 गाड़ी की कैपेसिटी जिसमें होती है, वो गाड़ी यहाँ आने से पहला, देखिए आप भी पत्रकार है बुरा नहीं मानना, वो गाड़ी यहाँ आने से पहला, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो पुलिस मित्र हो, उन लोगों के फोन आ जाते हैं, ये बाबा ये फलाना गाड़ी है छोड़ दो, फलाना गाड़ी छोड़ दो। इसका नुकसान ये होता है कि लोगों के मन बढ़ जाते हैं। अगर हम शहर के समाज सेवक है, हम नेता है, हम पत्रकार है, हमने कोई बीड़ा उठाया है, तो हमें सहयोग करना चाहिए ट्रैफिक डिपार्टमेंट को, ताकर के वो एक बार फाइन भरे, कायदे से जो आता है वो दंड भरे और ट्रैफिक मुक्त मुम्ब्रा हो। मगर ऐसा नहीं होता है। मगर इस बार हमने फिर एक बार कोशिश की है, ट्रैफिक पुलिस ने एक बार फिर कोशिश की और हम सहयोग कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम, हमारे तरफ से जितना हो सकेगा हम ट्रैफिक को कम करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादातर देखा गया है कि जब लाइन में येल्लो पट्टा म्युनिसिपैलिटी ने दिया हुआ है हॉकर्स को, येल्लो पट्टे के अंदर जो लोग दुकानें लगाते हैं उसके बाहर जो एक गाड़ी खड़ी होती है उस गाड़ी के सामने से दुकानें लगना शुरू हो जाती है, ऐसी बड़ी गाड़ियों के ऊपर कार्रवाई कब होगी? सबसे पहली बात तो ये, ऐसे पत्रकार, हर पत्रकार का फर्ज होता है और हर समाज सेवक का फर्ज होता है कि अगर इलाके में कुछ गलत हो रहा तो उसके लिए आवाज़ उठाए। अगर अनधिकृत दुकानें लगी है रास्ते पर तो उसका काम है कि वो पत्रकारों का काम है या समाज सेवा का काम है कि थाने महानगर पालिका से मिल करके उस पर कार्रवाई करवाएं।
एक रोड है, एक रोड के ऊपर रोड तक अगर हॉकर्स आ जा रहे हैं, अनधिकृत दुकानदार आ जा रहे हैं, उसके बाहर ऑटो रिक्शा आ रही है, बाइकें पार्क हो रही है, तो रास्ता कहाँ बचेगा। तो हमने शुरुआत की है, आगे चल के अगर थाने महानगर पालिका भी शुरुआत करती है तो ये एक रोड जो ये बहुत जल्द में ट्रैफिक मुक्त हो जाएगा। बस आप लोगों के सहयोग की जरूरत है।